विस्फोट के बाद करीब 8 से 9 फीट गहरा गड्ढा हो गया कि विस्फोट होते ही वाहन के परखच्चे उड़ गए। घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी से माओवादियों ने कमांड आईडी ब्लास्ट किया है। सड़क है अरनपुर की, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे अरनपुर थाना है। अरनपुर थाने पहुंचने के बाद 250 जवानों की जो टुकड़ी थी उसमें से कुछ जवानों को वाहनों में सवार करके दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के लिए रवाना किया गया। करीब 4 वाहन बताए जा रहे हैं जिसमें सवार कर DRG के इन जवानों को वापस दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के लिए रवाना किया गया। मगर अरनपुर से करीब 2 किलोमीटर दूर इस जगह पहुंचते ही एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना सशक्त और इतना शक्तिशाली था कि विस्फोट होते ही वाहन के परखच्चे उड़ गए। वाहन का जो कल पुर्जा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उससे पहले उस सड़क का हाल देख लीजिए जहां इस बारूदी सुरंग को माओवाद संगठन द्वारा विस्फोट कर उड़ाया गया। विस्फोट के बाद करीब 8 से 9 फीट गहरा गड्ढा हो गया, करीब 12 फीट चौड़ा जो है 12 फीट चौड़ा और करीब सड़क पूरी तरह से खत्म हो गया। हालांकि आवागमन दुरुस्त करने के लिए गड्ढे को किनारे पे इस सड़क पे पाट दिया गया है और फिर उस इलाके से जो दोपहिया वाहन है वो निकल पा रहे हैं। विस्फोट के जद में आने के बाद वाहन का जो कल पुर्जा रहा है वो घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी तक फैला हुआ है। ये कुछ कल पुर्जे हैं, आप देखिए, ये वाहन के कलपुर्जे हैं। टाटा फोर्स की गाड़ी थी और गाड़ी में 10 जवान सवार थे और एक सिविलियन बताया जा रहा है जिस ड्राइवर की मौत हो गई। ये जो घटना स्थल है यहाँ से इस तरफ पे आप देखिए घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है। करीब 100 मीटर की दूरी से माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी से माओवादियों ने कमांड आईडी ब्लास्ट किया है। और जब भी माओवादी इस तरह के आईडी को प्लांट करते हैं, बारूदी सुरंग को प्लांट करते हैं जहां करीब 100 मीटर की दूरी से या 200 मीटर की दूरी से उन्हें कमांड देना होता है आईडी को ब्लास्ट करने के लिए, तो उस जगह पर किसी तरह का एक टारगेट सेट करते हैं माओवादी कि भाई कोई ऐसा टारगेट हो जहां ये पता चले कि सड़क से जब वाहन गुजर रही हो और उसी जगह आईडी प्लांट किया गया है। तो उस टारगेट को आप देखिएगा, ये पतला सा नाला बह रहा है सड़क के किनारे से और यहाँ पे माओवादियों ने इस जगह पर इस पेड़ को काट गिराया था। तो पेड़ का जो ठूंट है और ये जो गड्ढा है इसे दिखा दीजिएगा, और ये पेड़ का ठूंट और इस गड्ढे के सहारे जो है माओवादियों ने ये संभवतः अंदाजा लगाया है कि इसी जगह को माओवादियों ने टारगेट कर रखा था। कुछ देर पहले DIG कमलोचन कश्यप से जब मेरी बात हो रही थी तब मैंने उनसे पूछा भी कि यहाँ ऐसी कौन सी जगह है जिसे देखकर माओवादियों ने इस कमांड आईडी को ब्लास्ट करने के लिए टारगेट सेट किया था, तो उन्होंने मुझे ये पेड़ का ठूंट ही दिखाया। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी तक घने जंगलों में माओवादियों ने वायर बिछा रखा था और वहां से कमांड दिया और फिर यहाँ एक धमाकेदार ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में DRG के पूरे 10 जवानों की शहादत हुई है।